हेलो स्टूडेंट्स क्लास सेवन साइंस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ कंप्लेन ऑफ फूड स्टूडेंट आज हम चैप्टर फर्स्ट यानी कि फूड के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फूड वी टेक फूड आइटम फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल व्हेन वी गेट हंड्री इट इज रेस्पॉसिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड बच्चों जब भी हम भूखे होते हैं तब हम क्या इटअप करते हैं फूड आइटम इटअप करते हैं फूड आइटम हमें कहाँ से आकर होते हैं प्लांट एंड एनिमल से आकर होते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रूट फिर हमने जैसे मान लो मैंगो बनाना तो दीज आर फूड आइटम्स ना चपाती दीज आर फूड आइटम्स तो ना स्टूडेंट्स वी गेट हंड्री वी टेक फूड आइटम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स जब भी हम भूख लगती है तो हम फूड आइटम कहाँ से ओपन करते हैं प्लांट एंड एनिमल से ओपन करते हैं वाई इट इज़ रेस्पॉसिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी फूड आइटम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या नीड है हमें फूड की नीड है नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक बेनिफिट ऑफ फूड तो नाउ फर्स्ट बेनिफिट फूड प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क जो भी हम वर्क करते हैं कोई भी वर्क कर रहे हैं आप स्टडी कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए एनर्जी वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है हमें फूड नाउ फूड हेल्प इन ग्रोथ हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए एंड बिल्डिंग ऑफ बॉडी हमारी बॉडी की बिल्डअप के लिए भी क्या नीड हमें फूड की नीडेड है इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ सम डिजीज़ ऑल्सो प्रोटेक्ट बाय द फूड फूड सम डिजीज को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है नाउ न्यूट्रिशन फूड डेवलप फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट जो न्यूट्रिशन ऑफ फूड होते हैं फूड में जितने भी आइटम्स होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं वो हमारा फिजिकली और मेंटली बहुत डेवलपमेंट दोनों डेवलपमेंट करते हैं अलॉन्ग विद द हेल्थी बॉडी सेकेंड टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ फूड्स स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड विच इज इसशियल और बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ फूड तो फूड के फूड में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है जितने भी सब्सटेंस में प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होने चाहिए बेनिफिशियल होते हैं वो क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नाउ तो इंग्रेडिएंट ऑफ फूड इन्ग्रीडियंट में जो भी फूड में प्रेजेंट है विच इज बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ फूड नाउ फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड स्टूडेंट जो हमारा फूड होता है उसमें मेन कंपोनेंट क्या रहेगा आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फेट विटामिन मिनरल वाटर एंड रफ है तो दीज आर सेवन मेन कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर प्रजेंट इन आवर फूड आइटम्स नाउ स्टूडेंट्स इन डिटेल वी स्टडी अबाउट वन बाई वन तो क्लासीफिकेशन और कंपोनेंट ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन स्टूडेंट फंक्शन के बेसिस पे फूड्स को कितने टाइप में क्लासीफाई किया मेनली थ्री टाइप्स में क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू फंक्शन फूड कम्पोनेंट विच प्रोवाइड एनर्जी यानी कि ऐसे फूड कंपोनेंट जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसमें कौन होगा कार्बोहाइड्रेट है फैट है, है प्रोटीन इन तीनों से हमें क्या मिलती है एनर्जी फूड कंपोनेंट विच बिल्ड आवर बॉडी जो हमारी बॉडी को क्या करता है बिल्डअप करता है जैसे हमारे हैंड्स लेग्स माइंड इन सब की डेवलपमेंट के लिए बॉडी की डेवलपमेंट के लिए उसको बिल्डअप करने के लिए क्या नीड है हमारा प्रोटीन मिनरल्स वाटर्स तो जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है एज जैसे इंक्रीज होती है हमारी बॉडी भी क्या होती है उसकी हाइट भी इंक्रीज होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सा है प्रोटीन मिनरल एंड वाटर फूड कंपोनेंट विच प्रोवाइड प्रोटेक्शंस तो नाउ ऐसे फूड कंपोन जो हमें बॉडी को क्या प्रोवाइड करते, है? करते, है। so, है? है? है. करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या रहेगा विटामिन विटामिन क्या करता है डिजीज से हमें क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नाउ सम फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं जैसे विटामिन ए ही. विटामिन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गुड विजन ऑफ आई हमारी आईज की अच्छी विजन के लिए अच्छी शरीर देखिए उसके लिए क्या क्या नीडेड होता है हमें विटामिन ए की नीडेड होता है तो विटामिन ए इज नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी या फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स नाउ स्टूडेंट वी स्टडी अबाउट इन डिटेल ईच एंड एवरी कंपोनेंट अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाई वन फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आर द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारी बॉडी का क्या होता है मेन सोर्स होता है किसका मेन सोर्स होता है एनर्जी एंड स्ट्रेंथ इट मीन्स हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी और जो भी हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ हो वो किस पे डिपेंड है किससे आकर होती में कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स इट मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मेडल होता है कार्बन से हाइड्रोजन्स हैं एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स दिस एलिमेंट आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइक्रोजन्स जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में किसकी फॉर्म में स्टोर होता है ग्लाइकोजन तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ग्लाइकोजन लर्न रखना इन आवर बॉडी फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ये ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी को नीड होता है एनर्जी की तब ये क्या हो जाता है ब्रेक डाउन होता है और हमें क्या करता है एनर्जी गिव करता है तो स्टूडेंट ग्लाइकोजन डिकम्पोज डीम्पोज का मतलब डिवाइडेड डीकम्पोज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड रिलीज एनर्जी बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोजन क्या होगा डिकम्पोज होगा और उससे क्या मिलेगी हमें एनर्जी रिलीज होगी तो इन आवर बॉडी फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन इज ब्रेक डाउन इन टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड इट प्रोवाइड एनर्जी दिस एनर्जी यू टू डू द वर्क नाउ टाइप एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अब स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स मेनली टू टाइप्स एंड स्टार्स एंड शुगर स्टार्स के एग्जाम्पल राइस पोटेटो बनाना दीज आर एग्जाम्पल्स मेनी एग्जाम्पल्स सम एक्सापल्स एंड डेड्स दीज आर एक्सापल्स ऑफ कार्बोहैड्रेट नाउ स्टूडेंट नोट फर्स्ट पॉइंट वन ग्राम ऑफ कार्बोटेट गिव फॉर कैलोरी ऑफ एनर्जी स्टूडेंट हमें वन ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी एनर्जी मिलेगा फोर कैलोरी एनर्जी इज ऑप्टन जब हमारा कार्बोहाइड्रेट का वन मोलिक्यूल डिकम्पोज होता है तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है फोर कैलोरी ऑफ एनर्जी और ऑप्टन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी इसका मेन फंक्शन क्या है इट प्रोवाइड एनर्जी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है एनर्जी कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है कीप सेल टिश्यूज एंड बॉडी पार्ट एक्टिव हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं सेल्स टिश्यूज ऑर्गन को क्या रखता है एक्टिव रखता है क्योंकि ये क्या प्रोड करता है एनर्जी और एनर्जी हमारी इस बॉडी पार्ट क्या रहता है एक्टिव नॉट इफ कार्बोड इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर फूड वी लॉस वर्किंग कैपैसिटी ऑफ आवर फूड अगर हम फूड इट नहीं करते हैं कार्बोडेट आर प्रेजेंट इन आवर तो कार्बोहाइड्रेट आर एब्सेंट इन आवर फूड अगर कार्बोहाइड्रेट हमारी फूड में क्या है एपसेंट है उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आफ्टर सम सम डेज वी लॉस वर्किंग कैपेसिटी हमारी जो वर्किंग करने की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी लॉस फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं जैसे फोर आवर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो उसकी जो कैपेसिटी है थ्री आवर रह जाएगी फिर टू आवर फिर कैपेसिटीज डिक्रीजेस नाउ आई डेंट टेस्ट फॉर स्टार्स नाउ स्टार्स हमारी फूड में प्रेजेंट स्टार इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो हमारी फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं प्रजेंट है इसके लिए हम क्या करते हैं टेस्ट फॉर स्टार्स तो स्टार्स गिव द ब्लू कलर रिएक्टिंग विद आयोडीन सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन को जैसे हम स्टार्स में मिक्सअप करते हैं उसमें कौन सा कलर रहता है ब्लू कलर इज ऑप्टन तो इट इज जस्ट आयोडेंटाज फॉर स्टार्सार्स इज रिएक्ट विद आयोडीन दैन गिव ब्लू कलर स्टार्स का कलर कैसे हो जाएगा ब्लू कलर नाउ स्टोडेंट प्रोटीन प्रोटीन इज ने फॉर द बायो रिएक्शन इन सेल सेकेंड कम्पोनेंट कौन सा है फूड का प्रोटीन प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल हमारे सेल में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है प्रोटीन पर डिपेंड करती है इट इज एसेंशियल फॉर द सेल ग्रोथ एंड रिपेयर ये किसके लिए होती है सेल ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमारी सेल की इंजरी हो जाती है तब हमारा बॉडी क्या हो जाता है डैमेज हो जाती है न्यू सेल का नीड होता है न्यू सेल फॉर्म होगी तभी हमारा जो घाव होगा इंजरी वो हो क्या होगी हिलप होगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए प्रोटीन इज आर नीडेड नाउ बॉडी की ग्रोथ भी होती है जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमें हमारी बॉडी भी हाइट भी क्या होती है इंक्रीज होती है हमारा माइंड डेवलपमेंट होता है हैंड ऑर्गन्स जो है, legs, होता है लेग सबका हाइट इंक्रीज़ होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए न्यू सेल्स का रिक्वायरमेंट हो तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किसके हेल्प होगा प्रोटीन तो प्रोटीन इज एसेंशल फॉर द सेल ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी ड्राइव नाइट्रोजन फॉर्म प्रोटीन्स प्रोटीन्स किससे मेडअप होते हैं प्रोटीन में मेनली मेन कंपोनेंट क्या रहेगा नाइट्रोजनस रहेगा दे कॉमनली कंसिस्ट ऑफ अमीनो अमिनोसिड्स प्रोटीन इज कंसिस्ट अमीनो एसिड प्रोटीन किससे मिलकर होते हैं अमिनोसाइड और अमिनो ऑसिड अमिनोसिड मेडअप बाई द कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एलिमेंट तो स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मेडअप होता है और जो प्रोटीन्स है अमीनो एसिड इट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है से मेटर होता है तो डिफरेंस किसका रहेगा यहां पे नाइट्रोजन है और कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन नाउ स्टूडेंट्स द स्टडी इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू वेरी मच